जी बताइए। मेरी मुख्यतः जो शिकायतें हैं लोग बिंदुओं के आधार पर हैं, जिनका खुलासा मेरे द्वारा 29 तारीख को किया गया था। और उन लोग बिंदुओं में एक जो बिंदु सर्वप्रथम उछाला जा रहा है ट्रांसफ़र का, ये ट्रांसफ़र एक सेकेंडरी है मामला। बाकी जो 8 बिंदु हैं उनको गौण मानते हुए उसको उसके ऊपर कोई हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक मैंने किया था इस शिकायत में कि जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में जब मैं इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ तो माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा कहा गया कि आपको 6 नंबर से ज़्यादा किसी को नहीं देना। मैंने कहा कि साहब इतनी दूर से लोग बाग आए हैं, इनको उनकी योग्यता के आधार पर देना चाहिए। मैंने हिम्मत करके जो व्यक्ति पात्र थे उनको 6 नंबर से ज़्यादा उनको दिए, उससे वो रुष्ट हो गए माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, और उन्होंने भी मुझे प्रताड़ित करने के लिए नित नए नए बहाने प्रारंभ कर दिए। दूसरा ये है कि एसीआर के बारे में, एसीआर ये लिखा जाता है कि अपन किसी की कार्य क्षमता, कार्य का आकलन, उसके आधार पर उसकी मार्कशीट तैयार होती है। अपन बच्चों को जब देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चा जाता है कि 90% से ऊपर है तो एक्सीलेंट माना जाता है, 80 से 90 वाला उसकी अलग ग्रेडिंग दी जाती है, 70 से 80 की अलग ग्रेडिंग दी जाती है। लेकिन हमारे जुडिशरी में जो एसीआर लिखने का जो तरीका है इतना गंदा, जिसको कहा जाए खुले शब्दों में गंदा, कि अगर आपका चेहरा अच्छा है, आपकी पहचान अच्छी है, आप चापलूसी अच्छे कर लेते हो तो आपके 40 नंबर हैं तो आपको एक्सीलेंट मान लिया जाएगा, लेकिन जो 90 नंबर वाला है उसको बोल देंगे आप फेल हो गए। जबकि हमारे देश में जब कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, यदि 100 मीटर की दौड़ हो रही है खुले में, वो जो फर्स्ट नंबर पे आ गया वो फर्स्ट माना जाता है। लेकिन यदि वही जीता हुआ व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और कहे कि साहब मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है, तो बोले नहीं साहब आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर की परेशानी थी या किसी अन्य प्रकार की परेशानी। जबकि उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो फर्स्ट आया है उसको, और वो किया जाना कि तुमको ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, उसके बावजूद भी तुमने इतनी अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी प्रथम आए, लेकिन उसको अप्रिशिएट करना तो दूर, उसको और प्रताड़ित करना और उसकी सीआर खराब करने का लिखा जाता है। एक और बिंदु कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2008 और 2013 का, उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी कर्मचारी को, शासकीय कर्मचारी को उसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में क्या लिखा गया है इसके संबंध में उसको स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए। लेकिन मेरे द्वारा वर्ष 2015 से 2014 से निरंतर मांग किए जाने पर भी उक्त जजमेंट का पालन माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि आर के श्रीवास अनुशासनहीनता कर रहे हैं। ठीक है, मैं अनुशासनहीनता कर रहा हूँ, अनुशासनहीनता के लिए मुझे उकसाया किसने गया? मैं कोई स्व वो तो भू हुआ नहीं कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा और मैं आकर के धरने में बैठ गया। इसके लिए मुझे 2-3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब 2-3 साल के प्रताड़ित करने के दौरान जब मेरे मुद्दे इकट्ठे हो गए तो ये एक लावा की तरह ज्वालामुखी बनकर के फूटा है, वो मैंने इसके माध्यम से आया हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति JS Khair साहब से भी मांग करता हूँ कि साहब 2008 का देवदत्त वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और सुखदेव सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में स्वयं संज्ञान लिया जाए और मेरे जो रिट पिटीशन 27/277/2017 लेटर्स पिटीशन वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसको विचार में लेते हुए सो मोटो संज्ञान लिया जावे और माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट की जाए और उनको अधिक से अधिक पनिश किया जाए। आप न्यायालय नहीं गए? कौन से न्यायालय? उच्च न्यायालय में आपने पिटीशन वगैरह नहीं दायर? मैंने उच्च न्यायालय में कोई पिटीशन दायर नहीं की। सर आपका ये जो मामला है उसकी कोई काफी मतलब लोग अध्ययन करना चाहते हो?